Hello, Bajo. Let's read this question. The question says after the biosynthetic phase, the प्रोडक्ट इज सेपरेटेड एंड प्योरीफाइड बाई दी प्रोसेस कॉल्ड तो देखो क्या होता है जब हमारा जो प्रोडक्ट है उसको हमने लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर लिया है बायो रिएक्टर से वो निकला है ठीक है बायो सिंथेटिक फेज से होते हुए निकला है ठीक है अब क्या हुआ ये ये जो प्रोडक्ट है हमारा हम उसकी मार्केटिंग से पहले क्या करते हैं इसको सेपरेट करते हैं इसको प्योरीफाई करते हैं ठीक है इन प्रोसेस को कलेक्टिवली हम डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग कहते हैं ठीक है सो सेपरेटेड एंड प्योरीफाइड ये सारे प्रोसेस को मिला के हम डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग कहते हैं इसको तो सी जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट जा रहा है देन एक गिवन है एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरिस इसमें हम क्या करते हैं हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको आइसोलेट करते हैं उसको सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर वेट एंड साइज ठीक है तो जेल इलेक्ट्रोफोरिस से हम सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन नहीं करते हैं ये इनकरेक्ट हो जाएगा पीसीआर से हम हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं यानी उसको एम्पलीफाई करते हैं ठीक है तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन तो बिल्कुल ही अलग है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब ये है कि ये प्लाज्माड है जिसके पास एक केपेबिलिटी है मान लो कि किसी एंटीबायोटिक के लिए उसके पास रेजिस्टेंस है अगर हप, हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के अंदर डाल दिया तो हमने क्या किया उसकी जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस था उसके पास बेसिकली जो रेजिस्टेंस पावर था उस प्लाजमेड का उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए उसको हमने इनएक्टिव कर दिया ठीक है इससे हम पता लगाते हैं कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है ठीक है तो ये भी सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन के लिए यूज नहीं होता है ये इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पे चला जाएगा दैट विल बी ऑप्शन सी इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको ट्वेल्थ की न्यू एनसीआरटी में पेज नंबर 174 पे मिलेगी आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है